ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। देश आगामी 15 अगस्त को अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में बड़े ही उत्साह की भावना देखने को मिल रही है। लोग देश के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में 13 अगस्त को दिल्ली के कालकाजी मंदिर में देश की सीमा पर तैनात वीर सैनिकों की सलामती और दुश्मनों का नाश करने के लिए 108 पंडितों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्यों ने मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन किया और शत चंडी का पाठ भी किया। कालकाजी मंदिर में कराए जा रहे इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाना है। इस हवन के आयोजक पंडित भास्कर ने कहा कि चंडी पाठ और हवन यज्ञ की महिमा का वेदों में भी वर्णन किया गया है। इसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति का अत्यंत शक्तिशाली दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारी संस्था है मंगल भवन, इसका मेन उद्देश्य है धर्म रक्षति। धर्म एक ऐसा है जो रक्षा के लिए काम आता है, तो हमारे संस्था ने एक विचार किया है क्यों नहीं धर्म के माध्यम से देश की रक्षा की जाए। हमारे आज की तारीख में अगर हम देखते हैं भारत चारों ओर से विदेशों से घिरा हुआ है, वहाँ हमारे सैनिक डटे हुए हैं। इन सैनिकों के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तथा आर्थिक और मनोशक्ति बढ़ाने के लिए महाशक्ति दुर्गा का एक सप्तचंडी पाठ का आयोजन किया है। इस पाठ के माध्यम से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो और हमारे देश की सुरक्षाएं जो है सुरक्षित रहे। वहीं आयोजक अमित जैन ने कहा कि हम सीमा पर दुश्मनों से लड़ रहे सैनिकों की सलामती और उनकी विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ को 108 वैदिक पंडितों द्वारा संपन्न किया गया है। सो बेसिकली ये मंगल भवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो है इसी तरीके की काफ़ी पूजाएं और पाठ समाज की सेवा के लिए और समाज के कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हवन के माध्यम से। तो इस बार जो हमारा हवन हो रहा है वो देश के जवानों के नाम है और हम चाहते हैं कि इस चंडी विधान से जो कि शत्रुओं का नाश होता है तो हमारे जो जवान हैं वो भी उसका नाश कर पाएँ और उनका मनोबल बढ़े। और यही बस मेरी आशा है, यही इस पूरे विधान का जो है उद्देश्य है। और अगर इस उद्देश्य में हम सफल होते हैं तो हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिषेक नयन की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर